नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, सन 1969 में जब पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था, उसके बाद पूरी दुनिया को ये उम्मीद बनी थी कि अब निकट भविष्य में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर भी अपनी बस्तियां बसा सकेगा। लेकिन 50 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक ये सपना पूरा नहीं हो सका है। 2016 में पहली बार खुशी के क्षण तब आए जब अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह घोषणा की थी कि 2030 तक नासा मंगल ग्रह पर इंसान को उतार देगा और वहां पर रहने लायक व्यवस्था कर सकेगा। उसके बाद में नासा ने बहुत सारे प्रयास किए और अब एक ऐसी लड़की का चयन किया गया है जो कि उसको पहली बार मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। नासा ने मंगल ग्रह पर इंसान को उतारने की तकनीक तो विकसित कर ली है, लेकिन वहां से वापस आने की तकनीक अभी भी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। इसीलिए जो लड़की कनाडाई मूल की है, जिसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जिस तरह से मंगल ग्रह पर वो अकेला रह सकेगी, और उस लड़की का नाम है एलिना हेस्टन। एलिना हेस्टन के लिए एक मंगल ग्रह जैसा वातावरण तैयार किया गया है, एक बड़ा सा घर बनाया गया है और उस घर में ठीक वैसे ही व्यवस्था की गई है जिस प्रकार से वो मंगल ग्रह पर रहेगी। आपको बता दूं कि मंगल ग्रह पर पानी नहीं है, पानी है तो बर्फ के रूप में, ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, एवरेज तापमान वहाँ का लगभग 79 डिग्री रहता है, यानी जो पानी है वो भी बर्फ के रूप में जमा रहता है। तो वहाँ पर रहने के लिए एक ऐसा घर होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होगी, टेम्परेचर रहने लायक होगा, और एलिना हेस्टन जो जाएगी वहाँ पर, वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य करेगी जिससे कि दूसरे लोग जब मंगल ग्रह पर जाएं तो उनके लिए वहाँ पानी की व्यवस्था हो सके और रहने की व्यवस्था हो सके। और वहाँ पर रहने के लिए हमको खेती भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बर्फ़ को पिघला करके हम पानी से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन निकालेंगे, जो कि हम ईंधन के रूप में प्रयोग करके वहाँ पर हम अपने कमरों को गर्म कर सकेंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जो कनाडाई मूल की लड़की है, जो एक साल तक अभी अपने 4 साथियों के साथ में जिस घर में रह रही है, उस घर में वैसे ही सिग्नल पहुंचते हैं जिस प्रकार से जब वो मंगल ग्रह पर रहेगी, तो यहाँ से मंगल ग्रह तक हम बातचीत करने के लिए लगभग सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट का समय लग जाता है, और जब वो वापस वहाँ से जवाब देती है तो भी सिग्नल आने में यहाँ 20 मिनट का समय लगता है। तो अभी जिस घर में रह रही है उसमें भी ठीक यही व्यवस्था की गई है कि जो वो बातचीत कर रही है हमसे, बाहर के लोगों से, उसको भी 20 मिनट का अंतराल के बाद भी सिग्नल मिल रहे हैं। जब वो मंगल ग्रह पर रहेगी तो उसको बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मंगल ग्रह पर, जिस प्रकार से यहाँ है ठीक वैसा ही वातावरण उसको मंगल ग्रह पर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह तक पहुँच तो सकते हैं, लेकिन वापस आने में क्या कठिनाई है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी हम यान भेजते हैं वो बहुत भारी होते हैं और उसके लिए बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, और मंगल ग्रह तक पहुँचते पहुँचते वो सारा ईंधन समाप्त हो जाता है, और वहाँ से वापस आने के लिए वहाँ अगर हम फिर से ईंधन की व्यवस्था कर लें और अपने जो यान है उसमें ईंधन भर करके, तो हम वहाँ से वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यवस्था करने में समय लग सकता है। लेकिन क्या एलिना के जीते जी ये व्यवस्था हो पाएगी कि वो जब तक मंगल ग्रह पर रहे और उसके कुछ वर्षों बाद ऐसी तकनीक विकसित हो जाए कि वो वापस पृथ्वी पर आ सके। उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, यदि वहाँ पर कई वैज्ञानिक रहने लग गए और उन्होंने पानी से हाइड्रोजन को निकाल कर उसको ईंधन के रूप में अपने यान में प्रयोग करने लायक बना लिया, तो एलिना हेस्टन मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर आ सकेगी। अन्यथा वो मंगल ग्रह पर 2030 में चली तो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उसके
कंपनी के लिए और साथियों को कुछ समय के अंतराल में भेजा जा सकेगा। उसके ज़रूरत का सामान तो हम भेजते ही रहेंगे, लेकिन अगर कई इंसानों के लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ से कुछ टेक्नीशियन वैज्ञानिकों को वहाँ पर भेजा जाएगा जो कि वहाँ पर अन्य लोगों के रहने के लिए बस्तियों का निर्माण कर सकेंगे। और इस चुनौतीपूर्ण काम को करने में लगभग 2050 तक हम ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि वहाँ पर लगभग 5 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर मंगल ग्रह पर बस जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर बसना ज़रूरी क्यों है, वहाँ पर बस्तियाँ बसाना क्यों ज़रूरी है, इतना महंगा है वहाँ पर रहना, वहाँ पर यान भेजना करना, तो फिर इंसान कोशिश क्यों कर रहा है। देखिए, पृथ्वी पर रिसोर्सेज धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें जैविक ऑयल की, जैविक ईंधन के रूप में जो पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं, ये आने वाले कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, जैसे तांबा है, सोना है, लोहा है, और सबसे बड़ी बात करें सिलिकॉन, जो कि आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, उसकी मात्रा भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। हीलियम है, जो कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, इसके बहुत बड़े भंडार मंगल ग्रह पर मौजूद हैं, चाँद पर मौजूद हैं, और यदि यहाँ वहाँ पर इंसान बसना शुरू कर देगा तो उन रिसोर्सेज को वहाँ से लाकर पृथ्वी पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, और पृथ्वी पर मानव जो जीवन है या जीव हैं, यहाँ पर और कई लाखों वर्षों तक उनके जीवन काल को बढ़ाया जा सकेगा। और यदि यहाँ रिसोर्सेज समाप्त हो गए और यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गया तो पृथ्वी पर बहुत जल्दी जीवन समाप्त होने की संभावना है। इसीलिए इंसान कोशिश कर रहा है कि हम अन्य ग्रहों पर भी अपनी बस्तियाँ बसा लें। यदि एक ग्रह पर जीवन समाप्त हो जाए तो दूसरे ग्रह पर इंसान बचा रहे, जिससे कि पुनर्निर्माण का कार्य हो सके। नहीं तो किसी दिन कोई परमाणु युद्ध जैसे हालात हो गए या अन्य किसी विपत्ति के कारण, जैसे कभी कोरोना महामारी आई थी, ऐसी कई बीमारियों के कारण इंसान एक ही ग्रह पर रहेगा तो पूरी तरह से समाप्त होकर इंसान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि हम पृथ्वी से बाहर भी या हम अपने वायुमंडल से बाहर भी ये संभावना तलाशी जा रही कि वहाँ पर रहने लायक कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जैसे ठीक पृथ्वी जैसा हो, और वहाँ पर हम आराम से रह करके इस इंसान को हम इसके अस्तित्व को बचाया जा सके। फिलहाल हम एलिना हेस्टन के लिए दुआ करो। सब लोगों से हम कहते हैं कि ये हम उम्मीद करते हैं कि एलिना हेस्टन 2030 में मंगल ग्रह पर जाएगी, और कुछ वर्षों के बाद हम ऐसी तकनीक विकसित कर लेंगे कि उसको हम पृथ्वी पर वापस ला सकेंगे। यही आप सब दुआ करें, यही उम्मीद करें, और पृथ्वी से बाहर इंसानों के बसने की एक खुशी 2030 में हमें मिलने वाली है, और ये खुशी इतनी बड़ी होगी एक, और खुशी के साथ साथ एक उपलब्धि भी होगी, और इंसान को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। नमस्कार।